सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी तीन पार्टनर हैं और जिन्होंने कैपिटल कितने लगा रखी है 50,000, 50,000 और 1 लाख। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम पहले क्वेश्चन के अंदर बता रहे थे, पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया अगर हमारे पास जो कैपिटल है वो फिक्स है तो वहां पर हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जब हम कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करते हैं, कैपिटल में से निकालते हैं, ड्रॉइंग करते हैं और साफ क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि कैपिटल में से ड्रॉइंग की है तब आप कैपिटल में से माइनस करोगे, वरना कैपिटल में से माइनस नहीं करोगे, वरना आप कहाँ डील करोगे उसको, करंट अकाउंट के अंदर डील करोगे। अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आओगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, वरना जो आपकी सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, जो भी ट्रांसफर होगा वो सारी ट्रांजेक्शन आपने करंट अकाउंट के थ्रू करनी है, ना कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू करनी है अगर आपकी कैपिटल जो क्या है फिक्स है। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स है क्योंकि करंट अकाउंट का हमारे को बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए हमारे अकाउंट कौन से बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का हमने बना रखा है, करंट अकाउंट और बना लेते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट छोटा ही होता है। अगर हम बात करें दूसरा क्या बन जाएगा, हमारा करंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। एक्स का, वाई का, जेड, ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ये सी, ठीक है ना। ये बन जाएगा छोटा सा अकाउंट बन जाएगा अपना, ठीक है। ऐसे इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है, और ये ए बी सी समझ लेना, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे को क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखी है 50,000, 50,000, 1 लाख। तो कैपिटल दे रखी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी कितना लिखेंगे 50,000, और ये भी 50,000, और ये कितना है 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट हो सकता है लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। करंट अकाउंट में दे रखा है, ए में दे रखा है 10,000, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट की बात करें, बाय बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन कितना लिखेंगे 10,000, तो ए वाले में लिखेंगे। बी में कितना दिया हुआ 5,000, तो बी में कितना लिखेंगे 5,000। सी की बात करें तो सी में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब आपका ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। देखो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो सकता है लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। ए का तो नहीं है, ना ही बी का है, सी का है कितने से 2,000 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना 10%, 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, दे दो इनको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको मिलेगा, ये ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। कैपिटल कितने लगा रखी है इनको, करंट अकाउंट पे नहीं देना आपने, कैपिटल अकाउंट पे देना है जो भी आप इंटरेस्ट दोगे। तो 50,000, 50,000, 1 लाख पे 10%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5,000, 5,000 और ये 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 20,000 आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। और इसको कहाँ लेके आओगे आप, करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेओगे 5,000, 5,000 और ये 10,000, ठीक है। ये है ही नहीं था यहाँ पर। अगर हम बात करें सी क्या है, ये वर्किंग पार्टनर है, काम करता है बेचारा, वोस एंटाइटल टू सैलरी दे रहे हैं इसको कितनी 12,000 रुपए पूरे साल के, तो क्या दे दो आप सी को सैलरी दे दो, तो क्या लिखो सीज कैपिटल अकाउंट कितनी देनी है आपने 12,000 इसको सैलरी देनी है। यहाँ क्या लिखोगे बाय सैलरी, सैलरी कितनी किसको देनी है, ये देनी है आपने सी को, तो ए को कुछ नहीं मिलेगी, बी को कुछ नहीं मिलेगी, सी को मिल जाएगी 12,000। नेक्स्ट क्या कहता है, जो प्रॉफिट है वो आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहता है जो पहले 20,000 है तो जो पहले 20,000 है उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कितनी है 5, 5, 10, तो अगर हम बात करें 5, 5, 10 तो ये कितना हो जाएगा 1, 1, 2, तो इस रेशो में आपने पहले 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में 1:1:2 में। तो
पहले 20,000 हैं तो ये कितना हो गया, एक दो और दो चार, चार को 20 से करोगे तो पांच, इसको कितने मिलेंगे 5,000, इसको कितने मिलेंगे 5,000, और इसको कितने मिलेंगे 10,000, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नेक्स्ट कहता है जो अगले 30,000 हैं उनको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेक्स्ट जो 30,000 है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, किस रेशियो में, नई रेशियो में, और वो रेशियो क्या है आपकी 5:3:2, तो 5 और 5 कितने हो जाते हैं 10, तो हर हिस्से में कितने आ गए 3,000, तो ये कितना है, ये था 5, ठीक है, तो हर हिस्से में कितने आ गए 3,000, तो इसको कितने मिलेंगे 15,000, और इसको कितने मिलेंगे 9,000, और इसको कितने मिलेंगे 6,000, ठीक है। नेक्स्ट कहता है रिमेनिंग अगर फिर भी कोई प्रॉफिट बचता है उसको इक्वली बांट लो, मतलब अगर नेक्स्ट कोई बैलेंस बचेगा उसको कैसे बांटना है आपने, इक्वल बांटना है 1:1:1 में, ठीक है जी। कहता है फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो किया है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी अबो आइटम, कोई आइटम हमने चार्ज नहीं की, तो उसके बाद कहता है प्रिपेयर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पास जनरल एंट्री पास कर दो। तो जनरल एंट्री वैसे पास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस टू के सिलेबस से बाहर है। अगर हम बात करें बाय नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है 1,72,000, इसमें से अगर हम बात करें 1,72,000 इसमें से हम 20,000 का क्या दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, तो हमारे पास कितना बच गया 152, इसमें से हम सी की जो क्या थी सैलरी वो भी दे चुके हैं, कितना बचा 12,000, ये भी माइनस कर चुके हैं, तो हमारे पास कितना बचा ये 1,40,000 बच चुका है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 1,72,000, ये भी कितना हो जाएगा 1,72,000। अब 1,40,000, 1,40,000 में से 20,000 चले गए तो कितने रह गए आपके पास 1,00,000, हमारे पास प्रॉफिट कितना आया था 1,40,000, ये बचा था, इसमें से कहता है 20,000 को तो इस रेशियो में बांटो, 30,000 को इस रेशियो में, उसके बाद जो बचता है उसको एक एक रेशियो में, तो 1,40,000 में से आप 20,000 माइनस कर चुके हो, तो आपके पास कितने बचते हैं, ये 1,20 बचते हैं, 1,20 में से 30 फिर माइनस कर चुके हो आप, तो आपके पास कितने नेक्स्ट बैलेंस बचेगा, आपके पास बचेंगे 90,000, और 90,000 को एक एक रेशियो में डिवाइड करोगे तो 3 3 को 90 से करोगे 30, तो ये कितने आ जाएंगे 30,000, 30,000 और ये भी 30,000। अब बताओ मेरे को ए को, मतलब जो हमारा पार्टनर ए है उसको कितने मिलेंगे 5,000 यहाँ से मिल गए, 15 यहाँ से मिल गए, कितने हो गए ये 20, और 20 और 30 कितने हो गए, ये हो गए 45,000, तो क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए को बी को और सी को, तो ये कितने हैं 5,000 + 15,000, तो ये कितने हो गए 20 20 और 30 है 5 और 15 20 20 और 30 50, तो ए को कितने मिल जाएंगे 50,000। बी की बात करें 5,000 + 9,000, 5 और 9 कितने हो जाते हैं 14,000, 14 और 30 कितने हो जाते हैं ये 44,000, 44,000। अगर हम सी की बात करें तो 10,000 यहाँ से मिले थे इसको, 6,000 यहाँ से मिल गए, तो कितने हो गए 16,000, अगर 16,000 प्लस करें तो ये कितने होते हैं 46,000। अब देख लो 46 + ये 4 4 8 8 और 5 13 और एक यहां से आ गया 14, तो ये करेक्ट बनता है। अब ये क्या करेंगे हम ट्रांसफर करेंगे कहां से, यहां से पोस्टिंग करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, कितना आया है 50,000, 44,000, 46,000। अगर इसके टोटल करें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 50,000, यहाँ भी 50,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 1,00,000, यहाँ कितना आ जाएगा 1,50,000, और ये भी 50,000, यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, कितना 50,000, और ये भी 50,000, और ये कितना आ जाएगा 1,00,000। तो यहां पर क्या करोगे अब आप इसको टोटल करो, कितना था 10,000 + 12,000 + 46,000, तो कितना आ जाएगा आपका 68,000, ये कितना आ जाएगा आपका 68,000। अब इसमें से माइनस क्या करना है 2,000 माइनस करना है, तो ये कितना था 68,000, और यहाँ क्या आ जाएगा टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन,
2000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 66,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 5 और 5 कितने हो जाते हैं 10, 10 और 44 कितने हो जाते हैं 54, 45,000। और यहाँ कितना, यहाँ आ जाएगा 45,000। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ भी कितना आ जाएगा 45,000। और बैलेंस शीट के अंदर कितना आ जाएगा 45,000। अगर हम बात करें ए की, तो ए में कितना आ जाएगा, ये 10,000 प्लस 50,000 60, और 5,000 65,000। यहाँ कोई बैलेंस नहीं है तो कितना आ जाएगा 65,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 65,000। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। अगर आपने जर्नल एंट्री पास करनी है तो ये क्या है, हमारे खर्चे हैं कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी बिजनेस के। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, नहीं एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20,000, और ये कितना आ जाएगा आपका 5,000, 5,000, और ये 10,000। ठीक है, एक तो एंट्री ये पास हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है सैलरी देनी है किसको, ये देनी है भाई, इसको देनी है, ये सी को। नेक्स्ट देनी है सैलरी, सैलरी भी हमारा खर्चा है, तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, इसको कहाँ डालनी है, करंट अकाउंट, किसके अकाउंट में, सी के करंट अकाउंट में डाल दें। कितना था, 12,000, और ये 12,000। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो ये भी डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिट करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट और टू सी करंट अकाउंट। ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,40,000, और ये कितना चला जाएगा आपका 50,000, 44,000, और ये 46,000। तो एंट्री पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप प्लस वन के अंदर कर चुके हो तो ज्यादा मैटर नहीं करती। ज्यादा मैटर करता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को कैसे डील करते हो और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।